तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट समझाया था। आज देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको कुछ लोग रेडियस ऑफ जायरेशन भी कहते हैं, तो रेडियस ऑफ गायरेशन आज देखते हैं। ठीक है, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं रेगुलर शेप बॉडीज का। जैसे हमारे पास रिंग है, ऐसे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मैंने बताया था इससे पहले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस बदल के अलग हो जाएगा। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है। तो पहले थिन सर्कुलर रिंग, ऐसे ये सर्कुलर रिंग जैसे ये, ठीक जैसे चूड़ी हो गई, ठीक है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस कौन सी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन है इसका, ये इसका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर और सेंटर पे, ये दिख रही है ऐसे, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी, तो ये ऐसे घूम रहा है समझ लो ऐसे, ठीक समझ गए कैसे घूम रहा है ये ऐसे। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के, यह इसका प्लेन, इसके परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन और सेंटर से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। अगर इसको आपको करना हो, डिराइव करना हो, तो ये देखो ये हमारे पास रिंग हो गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस एक्सिस के अबाउट जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास हो रही है। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, यह होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। तो पहले ये वाला पार्टिकल देखते हैं, सपोज इसका मास है m1, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो इस रिंग का रेडियस है r, तो m1 r स्क्वायर, फिर एक और ले लो यहां पे प्लस m2 r स्क्वायर, r स्क्वायर तो सब में आएगा ना, सब r डिस्टेंस पे हैं, सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे हैं जो इसका रेडियस है, तो m1 r स्क्वायर प्लस m2 r स्क्वायर चलता रहेगा, इसमें r कॉमन ले लेंगे, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब सारे पार्टिकल्स का मास, मतलब इस पूरी रिंग का मास, सारे पार्टिकल्स का मास आएगा ना यहाँ पे, तो इस मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब सारे पार्टिकल्स का मास का मीनिंग क्या है कि ये पूरी रिंग का मास, और पूरी रिंग का मास है सपोज m, तो m m और ये r स्क्वायर, इसलिए एम आर स्क्वायर। ठीक समझ गए, बाकी डेरिवेशन नहीं करने हैं हमें अभी, डायरेक्ट करना है। ठीक है चलो, तो इसका कितना एम आर स्क्वायर, चलो आगे चलेंगे। अब r क्या है, रिंग का रेडियस, थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस है r रिंग का। ठीक है, अब यही थिन सर्कुलर रिंग और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, पहले तो ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन, अब ये है इसके डायमीटर के अबाउट, तो ये ऐसे, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये समझ लो ऐसे घूम रही है। ठीक, रिंग ऐसे घूम रही है, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ था, यहाँ पे, तो ऐसे घूम रही होगी। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, डायमीटर के अबाउट, ये, तो ये ऐसे घूम रही होगी, समझ गए, डायमीटर के अलोंग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये ऐसे घूम रही है ऐसे। ठीक, डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। ऐसे ही और हमारे पास रेगुलर शेप बॉडीज हैं, जैसे थिन रॉड, जैसे थिन रॉड समझ लो जिसका लेंथ है एल। ठीक, इसका एक्सिस है परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट। अच्छा ये ध्यान देना, यहाँ पे जो हम रेगुलर शेप बॉडीज जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, कहीं पे ज्यादा मास कहीं पे कम मास नहीं है, रेगुलर शेप बॉडीज हैं। ठीक है, और इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, तो थिन रॉड जैसे ये, इसका लेंथ है एल, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू रॉड एट मिड पॉइंट, इस रॉड के परपेंडिकुलर ये, इस रॉड के परपेंडिकुलर ये और मिड पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दिख रही है, तो ये रॉड ऐसे घूम रही होगी ऐसे ऐसे, ये मिड पॉइंट पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन और रॉड के परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये रॉड ऐसे घूम रही है, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। एल क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, इसका लेंथ, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। ठीक, अगर एक सर्कुलर डिस्क की बात करें, सर्कुलर डिस्क, ये तो रिंग थी और यहाँ बीच में मास भरा हुआ, ये डिस्क हो गई, ठीक बीच में मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर, ये परपेंडिकुलर डिस्क, डिस्क के परपेंडिकुलर और सेंटर पे, तो ये ऐसे घूम रही होगी डिस्क, ये तो मैंने रिंग लेके आया हूँ, लेकिन डिस्क बीच में मास भरा हुआ है जैसे सीडी होती है। ठीक है ना, ये ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, ये तो परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर है ये एक्सिस, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो डायमीटर के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट, डायमीटर के अबाउट समझ लो, डिस्क ऐसे घूम रही होगी ऐसे, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर।
ठीक है, हॉलो सिलेंडर की बात करें, खाली सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर को आप दबाते जाओ, खाली सिलेंडर ने इसको दबाते जाओ तो रिंग जैसा ही तो बन जाएगा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो इसका भी एम आर स्क्वायर। समझिए, हॉलो सिलेंडर है, खाली सिलेंडर है, उसको दबाओ 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 तो रिंग जैसा बन जाएगा, रिंग का क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो इसका भी एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर की बात करें, सॉलिड सिलेंडर का, अच्छा इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन देख लो, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर की बात करें, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्सिया किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस है सिलेंडर की एक्सिस है, सॉलिड सिलेंडर है भरा हुआ है अंदर से, ठीक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। इसको दबाओ 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 दो तो ये कैसे जैसे, किसके जैसा बन जाएगा, ये सॉलिड सिलेंडर है अंदर भरा हुआ है तो ये डिस्क जैसा बन जाएगा, पतला होके दबाओ इसको तो ये डिस्क जैसा बन जाएगा। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर के अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू, तो इसका भी ये सेंटर के अबाउट हो गया एम आर स्क्वायर बाई टू। समझ गए, ये एक्सिस ड्रॉ किए मैंने बीच में, ठीक है। अगर सॉलिड स्पीयर की बात करें, भरा हुआ स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, तो डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है सॉलिड स्पीयर का, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक हो गया ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये बात तो हमें समझ में आ गई, कुछ हमने रेगुलर से बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखे, और जैसा मैंने पहले बताया था कि एक्सिस चेंज करके मोमेंट ऑफ इनर्सिया बदल जाता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको समझते हैं, क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, ध्यान से देखना। अगर हम डिस्क की बात करें, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है इसको देखो, अगर हम डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट, जो उसके सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है, ये डिस्क हो गई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट है एम आर स्क्वायर बाई टू। एम क्या है इसका मास, और आर क्या है इसका रेडियस, आर है डिस्क का रेडियस, एम क्या है इस डिस्क का मास। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कौन सी है जो इस डिस्क के सेंटर से पास हो रही है और डिस्क के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया एम आर स्क्वायर बाई टू। अब इस एक्सिस के अबाउट हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया, इस पार्टिकल का मास वही है जो इस डिस्क का मास है, ध्यान से देखते जाना आप, इस एक्सिस के अबाउट हमने एक पार्टिकल एज्यूम किया जिसका मास वही है जो डिस्क का मास है, मतलब m। अब ये जो पार्टिकल है जिसका मास वही है जो डिस्क का मास है, ये पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे रोटेट करे, कितनी डिस्टेंस पे रोटेट करे कि इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही हो जाए डिस्क का है। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, एक डिस्क है हमारे पास जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट है एम आर स्क्वायर बाई टू, ये अभी बताया मैंने, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, इसके लिए हमने क्या किया, जो इस डिस्क का मास है उसी मास के इक्वल हमने एक पार्टिकल एज्यूम किया, ठीक। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे ये घूमे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे ये घूमे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही हो जाए जो डिस्क का था, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसको डिनोट करते हैं के से। समझ गए क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। एक बार फिर हमने कहा डिस्क है हमारे पास, इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करो, इस डिस्क का रेडियस कितना है आर, कैपिटल आर, हमें क्या चाहिए इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है वो देखो। इस डिस्क के मास के इक्वल हमने एक पार्टिकल एज्यूम किया, अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे वो घूमे कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही हो जाए जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है इस एक्सिस के अबाउट, और उस डिस्टेंस को, जिस डिस्टेंस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही हो जाए जो डिस्क का है इस एक्सिस के अबाउट, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो डेफिनेशन कैसे बनाएं, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड, इसका सारा मास वहां पे एज्यूम कर लिया जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका सारा मास वहां पे एज्यूम कर लिया जाए, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द गिवन एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही होगा जो पहले था, जो पूरी बॉडी का था इस एक्सिस के अबाउट। समझ गए, देखो फाइंड करते हैं, अब आ जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा, अब समझ में आ जाएगा। सपोज ये पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, ये पार्टिकल जिसका मास m है जो हमने एज्यूम किया इसके मास के इक्वल, ठीक, ये पार्टिकल जिसका मास m है, सपोज ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस पे है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा एम के स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट होगा एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले सब कुछ भूल जाओ, सीधा सीधा देखो, सब भूल जाओ, सीधा देखो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो कितने डिस्टेंस पे घूम रहा है, के डिस्टेंस पे, तो एम के स्क्वायर। अब के ऐसी डिस्टेंस है, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, के ऐसी डिस्टेंस है, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है जहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही हो जाए जो बॉडी का था, और डिस्क का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्सिया इस एक्सिस के अबाउट कितना है, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। एम से एम गया तो के कितना आ जाएगा, यहां से के निकाल लो, एम से एम गया, के इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर बाई टू, मतलब के इक्वल टू आर बाई रूट टू। तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ गया, आर बाई रूट टू। समझ गए ना, अभी एक बार फिर, एक जो डिस्क का मास है उस मास के इक्वल हमने एक पार्टिकल एज्यूम किया, इस पार्टिकल का मास भी वही है जो डिस्क का था। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सपोज ये घूम रहा है के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे ये घूम रहा है, यहां पे के डिस्टेंस पे, ठीक। इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, एम के स्क्वायर। अब हमने कहा के वो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही हो जाएगा जो बॉडी का था, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी का कितना था, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम से एम गया, के इक्वल टू आर बाई रूट टू। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना आ गया, आर बाई रूट टू। तो हम समझ गए कि r बाई रूट टू डिस्टेंस पे जाने पे, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r बाई रूट टू डिस्टेंस पे जाने पे अगर डिस्क का सारा मास वहां पे एज्यूम किया जाए तो उसका पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही होगा जो डिस्क का है, ठीक है। समझ आ गया कैसे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, चलो इनका निकालते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करते हैं कैसे, बताओ इस केस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा, रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सिस के अबाउट, ठीक। तो हमने कहा एक्सिस ये है, रिंग का मास है m, तो m मास का पार्टिकल यहां पे अज्यूम किया, ठीक, k डिस्टेंस पे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा इस पार्टिकल का, एम के स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस ऐसी है जहां पे इसका, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही होगा जो रिंग का है इस एक्सिस के अबाउट, कितना है, एम आर स्क्वायर। तो m से m गया, k इक्वल टू r, तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल हो गया, r के इक्वल, ठीक हो गया ना, समझ में आ गया। चलो अब यही रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन डायमीटर के अबाउट, ठीक, रिंग कैसे घूम रही है समझ में आ रहा है ना, ये दूसरा केस देख रहे हैं, इसके अबाउट, इसके अबाउट, तो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है, चलो निकालते हैं, निकालते हैं। तो कैसे निकालना है फिर से देख लो, इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो हमने इस एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल एज्यूम किया जिसका मास वही है जो रिंग का है, रिंग का मास कितना है, m, तो हमने कहा यह है वो पार्टिकल m, ये घूम रहा है, तो इसका रेडियस कितना है रोटेशन का, k, k डिस्टेंस पे घूम रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा इस पार्टिकल का, एम के स्क्वायर। अब k वो डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है जहां पे इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसके इक्वल हो जाएगा, रिंग के इक्वल, इस एक्सिस के अबाउट, और रिंग के इक्वल, रिंग के, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्सिया डायमीटर के अबाउट कितना है, mr स्क्वायर बाय 2, तो इसको mr स्क्वायर बाय 2 के इक्वल रख दो, m के स्क्वायर को mr स्क्वायर बाय 2 के इक्वल रख दो, तो कितना आएगा, m से m गया, k इक्वल टू r बाय रूट 2, तो कितना हो गया इसका, r बाय रूट 2, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन है r बाय रूट 2, ठीक है। अब सीधा आपको पता लग गया m के स्क्वायर इसके इक्वल रखना है, m से m गया, k इक्वल टू इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो यहां पे निकाल लो, m के स्क्वायर इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 2, m से m गया, k इक्वल टू l बाय रूट 12, l बाय रूट 12 यहां पे निकाल लो, r बाय रूट 2 ये तो अभी किया, फिर m से m गया, k इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर मतलब r, फिर m के स्क्वायर इक्वल टू ये m से m गया, k इक्वल टू r बाय रूट 2, और यहां पे भी निकाल सकते हो, m से m गया, k इक्वल टू यहाँ पे निकाल लो 2/5 एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम सी एम गया, के इक्वल टू, के इक्वल टू, के इक्वल टू, के इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, रूट 2/5 और ये आर बाहर आ गया, रूट 2/5 आर, सही है, ऐसे कर लेंगे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो एक बात आपको समझ में आई होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जैसे रिंग का इस एक्सिस के लिए, रिंग का इस एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन है आर, लेकिन रिंग का इस एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन है आर बाय रूट टू,
ठीक हो गया इतना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन समझ गए। एक बार फिर से फाइनल टच ये है कि रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे उस बॉडी का सारा मास एज्यूम किया जाए, ठीक, मतलब एक पार्टिकल एज्यूम किया जाए जिसका मास वही हो जो बॉडी का मास है, तो उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया वही होगा जो पूरी बॉडी का है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसमें इतना ही, बाकी देखते रहेंगे आगे। थैंक यू।